हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा एफआईआर रद्द कराने के बारे में, एफआईआर क्वेश्चन कराने के बारे में। आप सभी लोग जानते होंगे कि एफआईआर क्वेश्चन कर दी जाती है हाई कोर्ट के द्वारा। कई बार जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो एफआईआर रद्द कराने के लिए हम हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में याचिका लगाते हैं और कहते हैं कि इस एफआईआर को रद्द कर दीजिए, इस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को रद्द कर दीजिए, क्वाश कर दीजिए। तो अक्सर होता क्या है कि जब दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो जाता है, दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो जाता है और दोनों पक्ष यह फैसला कर लेते हैं कि अब हमें केस आगे नहीं चलाना है, तो जिसने एफआईआर लिखाई थी जब वह जाकर हाई कोर्ट में यह कह देता है कि जी हमारा अमिकेबल सेटलमेंट हो गया है, हमारा मैत्रीपूर्वक समझौता हो गया है, अब हम केस को आगे नहीं चलाना चाहते, तो हाई कोर्ट ऐसे केसेस में एफआईआर को रद्द कर देता है, हाई कोर्ट ऐसे केसेस में एफआईआर को क्वाश कर देता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो बेहद भयानक होते हैं, बेहद गंभीर होते हैं, जैसे मर्डर, कत्ल, या जैसे बलात्कार, या जैसे रॉबरी, या जैसे डकैती। इन केसेस में अगर दोनों पक्षों के बीच में समझौता भी हो जाए तो समझौता होने के बावजूद भी हाई कोर्ट एफआईआर को रद्द नहीं करता है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के निर्देश दिए हुए हैं कि रेप के केस में, मर्डर के केस में, डकैती के केस में, रॉबरी के केस में अगर दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो जाता है तो समझौता होने के बावजूद भी एफआईआर को दर्ज ना किया जाए, एफआईआर को रद्द ना किया जाए। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जहां पे जिस महिला के साथ बलात्कार होना बताया जाता है, वह महिला जब समझौता कर लेती है उस व्यक्ति के साथ जिसने उसके साथ बलात्कार किया है ऐसा कहा जाता है, तो उनका समझौता होने के बावजूद भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब हाई कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने से मना कर दिया है, एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करने से मना कर दिया है। लेकिन मैं बात करूंगा एक लेटेस्ट जजमेंट की जो दिल्ली हाई कोर्ट ने पास किया है 16 दिसंबर 2019 को। जस्टिस का नाम है माननीय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुरेश कुमार कैट। यह केस छपा है JCC वॉल्यूम 1 2020 पेज नंबर 179। इस केस की अगर मैं बात करूं तो इस केस में बलात्कार के मामले को दिल्ली हाई कोर्ट ने एफआईआर को रद्द कर दिया है, एफआईआर को क्वाश कर दिया है और यह रेप का मुकदमा है, यह बलात्कार का मुकदमा है। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वह बिल्कुल सही है। अगर सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि बलात्कार के मामले में अगर महिला और पुरुष में समझौता हो जाता है तो समझौता हो जाने के बावजूद भी एफआईआर रद्द नहीं की जानी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना बिल्कुल सही है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने आगे कहा कि हाई कोर्ट को खुद यह भी देखना चाहिए कि क्या सच में बलात्कार हुआ था या नहीं। अगर हाई कोर्ट को यह लगता है कि सच में बलात्कार नहीं हुआ था, किसी वजह से महिला ने एफआईआर दर्ज करा दी थी, तो बेशक वह एफआईआर बलात्कार की धाराओं में क्यों ना हो, अगर समझौता हो गया है तो एफआईआर रद्द कर दी जानी चाहिए। इस केस में एक महिला ने एक पुरुष के ऊपर बलात्कार की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी, उसके बाद उनका आपस में विवाह हो गया और उसके बाद जब उन्होंने एफआईआर रद्द कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई तो उनकी एफआईआर को माननीय हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो यह था एक नया फैसला कि बलात्कार के केस में भी एफआईआर रद्द की जा सकती है अगर दोनों पक्षों में समझौता हो गया है, बशर्ते कि हाई कोर्ट को ऐसा लगे कि सच में ये बलात्कार हुआ ही नहीं था। यह था आज का जजमेंट। जल्दी ही आऊंगा आपके सामने
कोई और दूसरा बेहद इंटरेस्टिंग जजमेंट लेकर जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में, आपकी वकालत में आपको मदद करेगा। आपका अपना एडवोकेट सुनील कुमार। खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें।